राण देवा हाई घरे को लेके नहीं बने नहीं के आप जब खेत ना है तब अपन कमाई है दस परिवार जी आई है हमके देखी है बचाऊ बा हम अब खाए के नहीं हमारे साझी बेर के तीन चार महीना से पौते नहीं है तो कहाँ से खाई लैकनों लग नहीं है दो चार सही मांगी दे जब मजूरी ले आशा है ए चाची तनि आप किला पुर किनारे इधर आइएगा आइए सुनिए नहीं अभी तो चिल्ला रहे थे आप इधर आइए इधर आइए एक मिनट कोई बोलेगा नहीं कोई बोलेगा नहीं हाईबुल पुरनियन लौकत बाड़ीन इधर करो कैमरा इधर करो हाईबुल पुरनियन लौकत बाड़ीन इनके खेत बाड़ी नहीं बा हौका कहत बाड़ीन हौ वहां सुइया झूठ बुकी रहत बा अबले तब रोत रहली है मेरी बात सुनिए पहले उनको आप राशन दिए तीन महीने से काहे नहीं ले जाले तीन महीने से राशन दिए जब सब तीन महीने से आप राशन दिए नहीं दिए जब सब देखिए ये गलत बात है। नमस्कार विकास गोस्वामी मेरा नाम है और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जैसा कि इनसाइड भारत टीवी अमूमन गांव की समस्याओं को आप तक पहुंचाता रहता है, गोरखपुर के दक्षिणांचल में मौजूद हैं और प्यार से जब भी गोरखपुर का नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री का जिला है। राशन को लेकर चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है तो राशन को लेकर काफ़ी माथापच्ची और काफ़ी वो सियासत का विषय भी रहा है, लेकिन रायपुर ग्राम सभा में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के कई सारे ग्रामीणों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर आप थोड़ा चले आइए क्योंकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो मुफ्त वाला राशन बांट रहे हैं वो सही से बट नहीं पा रहा है, दिक्कत है। इनसे बातचीत करेंगे, इन लोगों का अपना पक्ष है प्लस जो कोटेदार साहब हैं उनका अपना पक्ष है, उनकी अपनी समस्या है, दोनों पक्ष को आप तक रखेंगे पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन लोगों से बात कर लेते हैं। आजे आगे आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। आप छोड़ दीजिए मैं पकड़ा रहूँगा। तो समस्या क्या है सर? यहाँ दो तीन महीने से कोटेदार अंगूठा लगवाते हैं राशन नहीं देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कोटदार साहब? कहते हैं कि राशन अच्छा लगाइए, दो बार का एक ही बार देंगे। हाँ। दूसर के बार जाते हैं, तीसर के बार जाते हैं, कहते हैं तीन बार लगाइए एक ही बार देते हैं। जो पर्ची भी देते हैं कहते हैं आने पर कहते हैं कि अंगूठा लगा ले हम दे दिए राशन नहीं हमारे। अच्छा। पास कितना यूनिट जाता है आपके घर पे? जी मेरे घर जाता है यूनिट पाँच यूनिट जाता है सर। पाँच यूनिट में आपको कितना किलो मिलता है? जैसे मान लीजिए, अभी की बात नहीं कह रहा हूँ, जब मिलता है तो कितना? 25 किलो मतलब पूरा देते हैं जी, उसमें नहीं कटौती करते नहीं हैं। चलिए, अच्छा ये रिफाइन तेल नमक चना ये सब भी मिल रहा था, ये मिला है कि नहीं? मिला दो बार मिला है। दो ही बार बटा है कि दो बार बस मिला है? घर ले जा करके पहुंचाया सर। अच्छा, पहुंचाया जी, रिफाइन और नमक और जो भी है। हाँ, ये सब तो पहुंचा दिए जी, पहुंचा दिए। मतलब कि जो नहीं कर पाए वो आप बता रहे हैं, जो किए हैं वो भी बता रहे हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं? बात करो, सुनो। क्या नाम है? दीनानाथ कुमार। कहाँ घर है आपका? कोटिया। तो दीनानाथ जी, क्या समस्या है आपको? समस्या अंगूठा लगवा ली है, राशन भी नहीं दिए हैं। कितने महीने का, कितनी बार अंगूठा लगवा के राशन नहीं दिए हैं? दो बार लगवाए हैं पर राशन भी नहीं दिए हैं। दो बार का इस समय भी नहीं? मेरी बात सुनिए, दो बार अंगूठा लगवा लिए, एक भी बार राशन नहीं दिए? वो दो बार का नहीं। इस समय 5 तारीख को अंगूठा लगवा चुके हैं। ये वाला भी मतलब तीसरी बार लगवाए हैं? अंगूठा लगवा चुके हैं, तीसरी बार लगवाए हैं, राशन भी नहीं दिए हैं। फिर कल गए थे अंगूठा लगवाने, कोई गाँव वाला अंगूठा ही नहीं लगाया है। ठीक है, और ये समस्या किसको है? आप लोग को ये समस्या नहीं है तो काहे झूठे में भीड़ लगा उले बाड़ा? पतियाव तो लगवा बोला पहले। हाँ, के बोला था? हाँ, तो फिर बोल, तू हूँ बोला। हाँ, बोल दा। हाँ, बोला। का नाम है? हरि चेतन प्रसाद। अच्छा, कितना उम्र हो गई लोई? 70 साल। हाँ, आई राशन का नाम है, का दिक्कत बा? राशन नहीं मिलता है। हाँ, तीन बार अंगूठा लगवा चुके। तीन बार। अच्छा, जिसमे एक बार खाली नमक और रिफाइन और चना, एक बार घर ले जाकर चौपाए बकाया राशन नहीं देते हैं। अच्छा, एक ही बार रिफाइन और चना ये सब पहुँचा है? हमारे घर दिए हैं। अच्छा, दो बेर। तू अरमल की नहीं? हाँ। देखो दो बेर बताओ। हम नहीं रहल हैं। हाँ। हाँ। तो पूरी जानकारी, सही जानकारी दीजिए। दो बार हो गया। ठीक है, लेकिन राशन नहीं मिलता है। ठीक है। हाँ। अच्छा, और भी कोई है चाचा? आगे आ जाइए। नहीं, अब आगे आइए, अभी आप बोल रहे थे, अब इधर आइए चाचा। एक मिनट, तो आप अभी आ जाइए ना। वही है, वही है। अच्छा, आपके क्या लगेंगे? पिता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? मांगो गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, राशन मिला? राशन ऐसा है कि इनको जो है उधर सही दे रहे थे, लेकिन दिसंबर के बाद
अब इनका रूटीन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। तब से राशन अंगूठा घर घर जाकर लगवा लेते हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। बिल्कुल आप पूछिए, भारत का हर एक नागरिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। कि राशन यहाँ बढ़ता है तो अंगूठा क्या घर घर जा करके लगता है? नहीं, यहीं पे लगेगा। ये घर घर जा कर पहले घर घर जाकर अंगूठा लगवा देते हैं। हाँ। और राशन के बाहर आने से मान ली नवंबर 30 नवंबर को अंगूठा लगा, राशन दिए दिसंबर के 5-6, क्या वो नवंबर का राशन हुआ कि दिसंबर का हुआ? ठीक है, क्या नमक चना और तेल का अंगूठा अलग लगता है कि उसे राशन में जुड़ा हुआ है? ठीक है, ठीक बात है। हाँ। ये 5-6 प्रश्नों का ये जवाब दे दें, अभी हम पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही समस्या है, राशन उधर ठीक दे रहे थे। हाँ। इधर इतना इनका रूटीन खराब हो गया। रूटीन खराब हो गया मैं हुआ ही है। हाँ। आखिर जनता क्यों परेशान है? क्या नाम है चाचा? लक्ष्मण। चाचा जी जो बोले हैं। हाँ। वो समस्या से आप भी पीड़ित हैं? पूरा जितने लोग राशन पाते हैं सब लोग पीड़ित हैं। सब लोग पीड़ित हैं। सब लोग पीड़ित हैं। हाँ। और जितना पूछना है पूछिए, मैं इनके दरवाजे पर कह रहा हूँ। हाँ। अंगूठा आज घर घर जाके लगवा लेंगे, राशन देंगे नहीं। हाँ। 15 किलो हम तो जब जबरदस्ती से 30 किलो लिए, अभी 15 किलो मेरा अभी भी बाकी है। हाँ। एक बार का। हाँ। अब दिसंबर में अंगूठा लगाएंगे, जनवरी में राशन देंगे क्या? रूल बैंक वाला है, अंगूठा हम लगाते हैं, बैंक हमको पैसा देता है, वही रूल इनके पे अलाउ है, लेकिन न पर्ची देंगे न कुछ देंगे। ये क्या तमाशा है करके रखे हैं? तत्काल उसमें पर्ची जब जब नियम और कानूनों की बात आती है तो जिम्मेदारों का रोना रोना शुरू हो जाता है। आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? महुआरी से। ए चाचा, अरे राम, यह बतियत कह लिए कि झगड़ा ना करे है। चाचा, ए चाचा, ये बतिया हम कहलिए जब चल जाबे तो आप लोग जौन मन तौन करबे, लेकिन जबले हम बाणी हमारे सम्मान खातिर हाथ जोड़ के निवेदन बा, एक शब्द ऊंची आवाज में नहीं। रोडो बनी पहले है तो हो जा, पहले तुम उनके राशन खैली तो व्यवस्था होके। तो आप सभी लोगों को राशन नहीं मिलता है? कितने लोगों को राशन नहीं मिलता, हाथ उठाइए। 3 महीना हो गए। एक मिनट 3 बेर अंगूठा लगा चुके हैं? 3 महीना से राशन नहीं मिला। अच्छा, दाल? एक मिनट चना रिफाइन और वो क्या है, 2 बेर मिला है सबको? 2 बेर मिला है? अच्छा, राशन नहीं मिला है। अंगूठा लगा घर राशन नहीं मिला थे, हम राशन आने आईली तो कहली कि जरा राशन नहीं मिली। हमारे थाने फोन हो, पुलिस आई, हमारे लड़का बंद कर दे, हम छोड़ा ले राशन नहीं देबे। अच्छा। हाँ, क्या राशन नहीं दे? अंगूठा लगल बा सबूत हमके दे तब हम दे जाते। सबूत लेब दे तो उनके तब राशन देबे। अब सबूत देंगी, वो अपने अधिकारियों को सबूत देती रहेंगी, उनके अधिकारी जब सबूत मांगेंगे तो देंगी। सबूत ले आवा। एक मिनट और इधर काहे भाग रे? हाँ ना, जे नहीं पावे ओकर बात होता है। आप लोग पाई ला? आप लोग नहीं पाते हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं पाते हैं? आप लोग नहीं पाते हैं? ए तनी यहाँ क्लोज ला। ए दादी, कितना उम्र हो आपका? अब हम बाकी हम कोटा। अच्छा, ये दादी कोटा भरोसे रह लू? हाँ, हमारे खेत बारी नहीं है। घरे को लेके नहीं बना है? नहीं के आप जब खेत ना है तो अपन कमाई है, 10 परिवारी जी हैं हमके देखी हैं। हाँ। बचा हम अब खाए के ना हमारे साझी बेर के। हाँ। 3-4 महीना से पौते नहीं है तो कहाँ से खाई, लैकनों लग नहीं है, 2-4 से ही मांगी दे। हाँ। जब मजूरी ले आशा है। ए चाची, तनी आप किला किनारे इधर आइएगा, आइए सुनिए। नहीं अभी तो चिल्ला रहे थे, आप इधर आइए। एक मिनट कोई बोलेगा नहीं। हाई बुढ़ पुरानी लौकत बड़ी, इधर करो कैमरा, इधर करो।
है बुढ़ पुरनिया लौकत बाड़ी इनके खेत बाड़ी नहीं बा झूठ बुकी रहत बा अबले तो आप रोत रही है। मेरी बात सुनिए पहले, उनको आप राशन दिए 3 महीने से ले जा ले। 3 महीने से राशन दिए हैं? जब 3 महीने से आप राशन दिए नहीं दिए हैं? जब सब देखिए ये गलत बात है। आप अभी तक तो चिल्ला रही थी, अभी तक तो आप चिल्ला रही थी। अब ये बताइए वो अगर वो भूखो अगर उसकी जान चली जाए उस बूढ़ी दादी की जिम्मेदार कौन होगा? सरकार आप लोग को राशन इसलिए दी है? सब जब वह बात कहा था एक तो कन पर कहीं है जब सब गाँव मतलब पूरे गांव आपके लिए खिलाफ है, झूठ है पूरा गांव खिलाफ होगा। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब अगर ये एक हफ्ते के अंदर इस गांव पे कार्रवाई नहीं हुई और इन गांव इस गांव वालों के लोगों को अगर राशन नहीं मिला तो सर सीधे सीधे चूंकि आपसे भी मेरी अभी अभी बात हुई और आपने कहा कि मैं इसमें जांच करूंगा और जो जो भी इसमें मुजरिम पाया जाएगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, तो साहब हाथ जोड़ के निवेदन है इस बूढ़ी दादी की आंखों को देख लीजिएगा और अगर समझ में आएगा तो कार्रवाई कर दीजिएगा, नहीं तो उसके आगे SDM साहब हैं और उसके बाद भी अगर SDM साहब से भी बात नहीं बनती है तो DM साहब हैं। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत TV देख रहे हैं। धन्यवाद।